प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 जुलाई को रूस के दौरे पर थे। इस दौरान उनका मॉस्को में भव्य स्वागत हुआ, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को अपना परम मित्र कहकर संबोधित किया। वहीं रूस ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। मगर रूस और भारत की दोस्ती अमेरिका को रास नहीं आ रही है। पीएम मोदी की रूस यात्रा को लेकर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का कहना है कि भारत का लंबे समय तक रूस पर भरोसा करना अच्छा नहीं है। अगर एशिया की दो महाशक्तियों भारत और चीन के बीच कभी युद्ध की स्थिति बनती है तो रूस बीजिंग के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आएगा। सुलिवन ने कहा कि हमने भारत समेत दुनिया के हर देश को स्पष्ट कर दिया है कि लंबे समय तक विश्वसनीय साझेदार के रूप में रूस पर दाव लगाना अच्छा कदम नहीं है। जैक सुलिवन ने आगे कहा कि रूस चीन के काफी नजदीक होता जा रहा है। सही मायनों में रूस चीन का जूनियर पार्टनर बन रहा है। इस तरह रूस कभी भी भारत के बजाय चीन का पक्ष लेगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ भारत के रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया था।